आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भाजपा के मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिव्यांग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक पुरुषोत्तम अग्रहरी ने पैर छूने का किया प्रयास। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोनों हाथ पकड़कर खुद पैर छूकर दिया सम्मान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से हुए रूबरू, कहा सीएम योगी के नेतृत्व में 5 साल में खूब हुआ है यूपी का विकास, लगाया आरोप। कहा आखिर अखिलेश यादव क्यों हैं आतंकवादियों के प्रेमी, क्योंकि आतंकवाद की पोषक है समाजवादी पार्टी। जनपद में कुल 4126 बूथों में से 2030 क्रिटिकल बूथों पर लगने वाले वेबकास्टिंग के पोलिंग पर्सन का प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। पहले दिन 531 कार्मिकों का हुआ प्रशिक्षण, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के दिल्ली के सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा विधानसभा चुनाव में भाजपा यूपी में जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। विपक्ष की नीति है मलाई खाना, हमारा है भलाई करना। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में सत्र को तीव्र गति से चल रही है जमा कराने की प्रक्रिया, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं वोटिंग रहा जारी। 9 विधानसभा में मंगलवार तक कुल मिलाकर पड़े 2634 वोट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने प्रेक्षकों के साथ बेलघाट थाना क्षेत्र के कछार में ड्रोन कैमरे की मदद से कच्ची शराब पर की छापेमारी। जनपद से सटे जिले संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर के मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। नागरिकों को 3 मार्च को मतदान के लिए किया प्रेरित। गोरखपुर में बुधवार को पाए गए 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 290। सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और राजघाट पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार। 300 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 30 किलोग्राम नौसादा, 10 किलोग्राम यूरिया एवं कच्ची शराब बनाने के उपकरण किया बरामद, भेजा जेल।